अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल भाई लोग, आ गए हम एक और पबजी लाइट की न्यू वीडियो के साथ। आज हम देखना क्या क्या तबाही करेंगे और कैसे कैसे बंदों को मारेंगे। फिलहाल हम उतर रहे थे आइसलैंड, यहाँ का ऑर्ड्रॉप था, पर ऑर्ड्रॉप पे कोई बंदा नहीं आया था, तो बंदे उतर गए थे सारे रेन साइड। तो हमने कहा चलो पहले रेन साइड चलते हैं, पर इससे पहले मेरे को यहाँ पर एक फ्लेयर मिल जाती है, कभी कभार मिलती है भाई, पर आज मेरे को मिल गई। हमारे टीम मेट को ज़्यादा मिलती है, आज मुझे मिल गई। तो यहाँ से कुछ नहीं था, तो बंदे थे रेंज में, वहाँ पर फायरिंग हो रही थी, वहाँ पर थे करीब 3 स्क्वाड, हमें मिला के हो जाते हैं 4। तो हमने कहा भाई अब यहाँ क्या करना, जब फाइट उधर हो रही तो हम उधर ही चलते हैं। हमने नदी वदी पार करी, तो यहाँ पे एक बंदा गाड़ी से, मतलब एक स्क्वाड गाड़ी पर से लेके भाग गई थी यहाँ से, वो देखो जा रही है। एक हाथ फायर करता हूँ, गाड़ी उनकी फट चुकी थी, तो ये तो निकल गए। अब देखो भाई मैं यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे किल चोरी कैसे करता हूँ, क्योंकि भाई साहब जब हम किल चोरी करते हैं तो अलग ही लेवल का सुकून मिलता है भाई। फ्री की किल, मतलब किसी बंदे को ना डैमेज देना ना कुछ, और किल मिल जाए। ये देखो घुटनों पे जा रहे थे भाई, इन्हें तो मैं कर देता हूँ फिनिश। अब इसका जो एक टीममेट था वो उधर से मार रहा था, उसे कवर दे रहा था, फ्लैश होल्डर नहीं लगाया था भाई ने, इसलिए मेरे को दिख गए थे इनकी गोली से, चिंगारी निकल ली थी। तो भाई मैंने इन्हें भी कर दिया। अब इनका एक टीममेट ये भागता हुआ जा रहा है, तो ये तो चला गया। और भाई मैं बड़ा यहाँ पे कंफ्यूज था जब मैं बंदों को मार रहा था, तो यहाँ पे मतलब जो बंदा मार रहा हूँ वो नॉक ही हो रहा है। अब देखो भाई ने का दिमाग लगाया, गेट बंद कर दी। अच्छा हो भाई साहब, देखा ही नहीं हमने, तो चलो इन्हें कर देते फिनिश। अब एक बंदा पार्किंग में और भी है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं कितने बंदे हैं, तो बार बार लेट जा रहा था मैं, डर भी लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं और बंदा इसका कहीं और ना हो। तो भाई अब ये खड़े हुए कवर में, तो इन्हें भी कर देते नॉक। अब इसका टीममेट मुझे देने लग गया फायर, वो उसे कवर दे रहा था मतलब, तो मैं बड़ी मुश्किल से बचा 1 HP। तो इस बंदे को मैं थोड़ा फायर देता हूँ, तो ये कवर में चला जाता है। मैं मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, इसके बंदे ने मेरे को डैमेज कैसे दिया, तो मैं इसे पेन से ही मारने लग जाता हूँ। तो भाई अब भाग जाओ कवर में, कवर में आया तो मैंने अब बैंडेज वैंडेज लगाया, तो एक मैं सोच रहा कि एक बंदा बचा है, तो ये बंदे थे यहाँ पे 2 अभी और, जो हमारे सौरभ भाई को एक को घुटने पे ले आते। मैं सोचता पेन किलर मार लूँ, इतने में भाई वहाँ पे फाइट हो जाती, सौरभ भाई को तो वो ले लेता है M16 से। तो एक तो ये नॉक करा भाई, इसे कर देंगे हाथ के हाथ फिनिश, 5 किल मिले। हमें सोचता यहाँ से सारे बंदे ख़त्म हो गए, एक बंदा वो देखो भगता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया पूरे 6 किल भाई। अब यहाँ पे सौरभ भाई तो टेढ़े पड़े हुए हैं, तो इन्हें रिवाइव वाइव मिलेगा। वहाँ पे एक बॉट था, तो मैंने बॉट है बंदा है समझ में नहीं आया मुझे, 6 किल मिले थे, अभी भी 2 बंदे किसी टीम के बाकी हो, पर ये बंदे थे नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ ये बॉट बजा, मैंने सोचा चलो हो सकता बंदा ही हो, बॉट तो मुझे बाद में पता लगा कि बॉट है। तो ये देखो, तो ये किल तो भाई मेरे को नहीं मिल पाती, वो बाहर आता है। तो इतने में हमारे मोहिन भैया इनकी किल ले लेते हैं। अब एक किल मेरे को और मिल जाएगा एक बॉट का, ये देखो सामने बॉट फायर दे रहा है, येरा ये भी नॉक। तो भाई साहब यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए पूरे 7 किल, बड़ा सुकून मिल रहा था भाई, क्योंकि बंदे ही बंदे हमारे और 6-7 किल तो यहीं हो गए एक ही जगह पे हमारे। तो बारी थी इनकी पेटी वेटी लूटने की, जितनी जो ज़रूरत थी हमने यहाँ से उठा लिया, और यहाँ से निकलने की बारी थी। पर एक बात तो हम नोटिस नहीं करी थी, जब फाइट हो रही थी जो हमारा 4 नंबर था टीममेट, वो हमारा पानी में ही मर चुका था। ये बात जब हमने देखा ना उस पर, जब हमने देखा हमारे कौन टीममेट मरा हुआ, तो उसने बाद में बताया कि मैं पानी में ही मर गया। मैंने सोचा फ्लेयर चलाओ, पर उन बंदों ने पहले ही फ्लेयर चला रखी थी वहाँ पे। ये देखो भाई खड़े हुए हैं ड्रॉप के चक्कर में, मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, ऑपलेस हो जाते तो नीचे ही गिर जाते सीधे। तो भाई साहब के ड्रॉप लूटने की राह था, हम नाकाम कर देते। एक बंदा और इनका नीचे से भागता हुआ आता है, ये रहा थोड़ा सा डैमेज, इसे भी मिल ही जाता है लगभग। तो ये तो एक और होता भाई, वो भी पता मेरे को दिख नहीं, मैं तो अंदाजे से गोली चलाता हूँ, बस बंदे को लग जाती है गोली पता नहीं किस तरीके से। ये देखिए, तो अभी मैंने सोचा अब यहाँ पे दूर से फाइट क्या लें, हम गाड़ी लेके जा रहे थे, मैंने गाड़ी गलती से फंसा दी थी पुल ब्रिज में। अब ये बंदा देखो किल कितना बढ़िया चोरी करा भाई ने मेरा, भवानी का। तो अब बारी थी इनको अंदर घुस के मारने की, तो हम बढ़ रहे थे भाई, हमने कहा चलो कुछ ना कुछ तो आते लगा। पर यहाँ पे भाई एक चीज़ बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप ही ड्रॉप थे। देखो एक सरकारी ड्रॉप सामने पड़ा हुआ है, एक फ्लेयर का है, और 2 अभी हम फ्लेयर भी चलाएंगे, एक सौरभ भाई पे एक मेरे पे, और एक सरकारी ड्रॉप और आएगा अभी। तो यहाँ पे तो इन बंदों को भाई हमारे टीममेट चटका देते हैं, हम भी थोड़ा बहुत डैमेज प्राप्त कर लेते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से निकल, एक ये भाई जा रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही टीममेट बचा हुआ था,
वो पता नहीं कि कौन मारता है, मेरे को याद नहीं ढंग से। तो यहाँ से तो भाई खो जाता है जैसे प्लेयर और जोन बनाता है, यहीं गई भाई हम फुल जोन में थे। यहाँ से बंदे ड्रॉप लूट ही नहीं पाता हेलमेट के अलावा। तो M249 थी एक और ये थी, मैंने कहा चलो हमारे पास तो M4AKM है, इनसे बढ़िया कौन सी गन है। तो देखिए भाई सरकारी ड्रॉप आया और मेरा एक प्लेयर का आ रहा है और एक हमारे सौरभ भाई ने भी मंगाया अभी। तो इसमें से लूटते हैं भाई, इसमें तो मेरे को मिल जाती है सबकी मोहब्बत AWM। ये देखिए भाई साहब, और AWM मिलते के साथ ही एक बंदे की खोपड़ी चटकने वाली है। अब देखो बूम गए भाई साहब पहली फुर्सत में। इनका भाई इनका बड़ा दुख लगा मुझे, क्योंकि इतने बड़े जोन में इनको रिवाइव देने वाला भी कोई नहीं था। पता नहीं अपने बंदों से कितने दूर थे ये, पर भाई मुझे लग रहा था कि उस बंदे को रिवाइव मिल जाएगा। तो मैं ढूंढने लग गया, मैंने कहा और बंदे किधर है AWM लेके। अब देखना भाई एक बॉट की किल किस तरीके से मेरे सामने से बिल्कुल नियति चली जाएगी। देखो सामने आया, मेरे को दिख नहीं रहा भाई, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ उधर ढूंढ रहा हूँ, इतने में सौरभ भैया हमारे किल चुरा लेते हैं जो कि ईविल किंग है। एक बात और भाई साहब कि जब हम गेम खेलते तो गेम में हमें एक से बढ़कर एक लेजेंड बंदे देखने को मिलते हैं अपने इस बंदे तरीके की। ये बंदा था अपने टीममेट को रिवाइव देने की बजाय गाड़ी लेके भाई साहब इधर ही आ गए, जोन बना के हमें मर जाऊंगा तो इधर ही चले आए। हमारे सौरभ भैया ने उसकी टीक फोड़ दी। मैं भी एक AWM का शॉट मारता हूँ। मतलब पहले भाई अपने बंदों को रिवाइव दे दो, अगर दे सकते हो तो देना चाहिए, क्योंकि फिर भाई साहब मज़ा नहीं है इसको ऐड खेलने का, तो इससे बढ़िया आप सोलो खेल लो। अभी मेरा आगे से बॉट भागा, पर भाई यहाँ पे एक गलती भी मैं कर देता हूँ, वो गलती मैं अभी देखो आपको बताता हूँ। जब भाई आप किसी बंदे को मारने जा रहे हो तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखो कि आपकी गन रीलोड है कि नहीं है। ये देखो 5 गोली चलाई नहीं, मेरी रीलोड पे लग गई। अगर इसकी जगह यहाँ पे कोई बंदा होता तो भाई साहब मेरी टीक फूटनी ही फूटनी थी। तो यहाँ पे इस बॉट को ही मार देता हूँ, मेरे 9 किल हो जाते हैं। अब बंदा बचा था, सिर्फ 2 बंदे बचे थे, एक तो जोन से मर जाता है और एक हमारे सौरभ भाई मार देते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई साहब आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, भाई साहब चार चार ड्रॉप देख के सोच रहे हो भाई ये गन लूँगा वो गन लूँगा। तो भाई इसी के साथ मिल जाता मैं चिकन डिनर और MVP आते हैं हमारे मोइन गाजी। तो भैया जी अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं भैया जी आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई।